हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम तीन स्पेशल तरह के डिमांड कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। तीन ऐसे डिमांड कर्व जो नेचुरल लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी चीज का प्राइस कमता है तो कंज्यूमर उसके कंजम्पशन को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। बट ये जो तीन एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, तीन स्पेशल केस जो करने वाले हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर दिया जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो इफेक्ट है उसे हम कहते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट में क्या होता है कि कंज्यूमर्स, कुछ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स ये चाहते हैं कि वो दूसरे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की तरह बिहेव करें। अगर कोई कंज्यूमर्स किसी गुड को परचेस कर रहा है, उसकी क्षमता है उस गुड को परचेस करने की, तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉट एबल टू परचेस दैट गुड, वो लोग उस गुड को परचेस करना चाहते हैं, उनका डिमांड उस गुड के लिए बढ़ जाता है। इसे कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। इसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज देयर इज अ कंज्यूमर हु कैन नॉट परचेस अ सर्टेन मोबाइल फोन, बट सिंस हिज फ्रेंड और हिज नेबर आर परचेसिंग दैट मोबाइल फोन, ही विल आल्सो थिंक ऑफ परचेसिंग दैट मोबाइल फोन बिकॉज ही वांट्स टू बी लाइक देम। कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर अगर किसी सोसाइटी या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के तरह अपने आप को दिखाना चाहता है, तब वो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करके आगे चला जाता है, और जिसे हम बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। सपोज देयर इज अ डिमांड कर्व D0 एंड द प्राइस इज P1, सो एट दिस प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1। नाउ सपोज द प्राइस फॉल्स टू P2, सो द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी Q2। In a normal situation, in usual situation, it would be Q2. But what will happen in this case is that for some consumers who is suffering from bandwagon effect, their demand curve will change. Their demand curve will become something like this. I have shown it with dotted lines. Their demand curve will rotate from D0 to D1. So since their demand curve is now being shifted towards the right, so with the fall in price, they will purchase more of the quantity than the usual demand curve. So they will purchase Q3. Since the price has fallen down, new consumers enter into the market and the demand is increased from Q2 to Q3. This is the bandwagon effect. जो consumers पहले इस group में नहीं थे, अब price कमने के कारण वो consumer भी इस group में आ गए हैं, और उन्होंने total quantity demanded को बढ़ा दिया है due to the bandwagon effect which they were suffering from. So this portion is the bandwagon effect. All right. Now our second effect is known as SNOB effect. SNOB effect is completely a mirror image of bandwagon effect. What happens in SNOB effect is, in case of SNOB effect, a consumer tries to make himself different from a certain group of consumers. ऐसा होता है कि कभी कभी कोई कंज्यूमर अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए, जो नॉर्मली लोग कर रहे हैं, जो नॉर्मली लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हटके कुछ करना चाहता है, वो अपने डिमांड पैटर्न को बदल देता है। अब वो इसको कैसे करेगा? या तो इसको ये करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को ऐसा करने के लिए अपना उन पर्टिकुलर चीज़ों का कंजम्पशन कमाना पड़ेगा जो नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज there is a group of uh, there is a group
group of people, say group A, and there is a consumer, say 1. Now, both of them are consuming certain goods. Suppose X1, Y1, X2, X3. This particular individual is also purchasing or consuming X1, X2, X3. But suppose now this individual, this consumer is suffering from SNOB effect. So he will try to make himself look different from this group of people, this A group of people. So what will he do? He will purchase or he will consume something which is not affordable to this group of people, that is group A. So let that good be, suppose an iPhone. Neither this group of people are able to purchase an iPhone, nor this particular individual is able to purchase an iPhone. But this individual wants to look himself different before this group of people. So he will purchase an iPhone by reducing his consumption of these three goods. So he will reduce the consumption of these three goods to purchase an iPhone so that he can prove himself different in front of these people. So let us do a graphical analysis of this. Let the demand curve, initial demand curve be D0. This demand is of those goods which they were consuming initially, and the price is supposed P1. Now, if the price falls, the corresponding quantity demanded is P1, when the price is P1. Now, suppose the price falls to P2, then the quantity demanded would be Q2. But there are some people who are suffering from SNOB effect. So, in spite of the price being lower than the initial price, they will not shift their demand towards that good. What will they do? They will reduce their demand curve, they will shift their demand curve towards the left so that they can purchase a different good which is not affordable to the group of people. So their demand curve will shift towards the left. Their demand curve will look something like this. D1. So their demand curve is now D1. So at this demand curve, the new price level is intersecting at this point. So the quantity they will consume is Q3. So they are reducing their quantity of other goods which they were initially consuming from Q2 to Q3. तो iPhone खरीदने के लिए कुछ पैसा बचाने के लिए उन लोगों ने अपना initial जो जरूरत की चीजों का जो consumption था उन्हें कमा दिया ताकि वो एक iPhone खरीद सके और उस group में लोगों से अलग दिख सके. So this was the case of snob effect. The third effect is known as VEBLEN effect. VEBLEN effect is a very common effect. Most of the consumers suffer from this effect. This is like most of the consumers judge the quality of any good by their price. Isn't it? Most of the consumers judge the quality of any good by their price. अगर कोई चीज सस्ता मिल रहा है तो उनको लगता होगा कि ये बेकार है, इसको लेना ठीक नहीं. कोई चीज महंगा है तो उन्हें लगता होगा कि ये बहुत अच्छा होगा, इसे लेना जरूरी है. So what happens in this case? Suppose the initial demand curve is D0 and the price is suppose P1. So at P1 price, initially the quantity demanded by the people is Q1, right? Now suppose the price falls. Suppose the price falls to P2. So what will happen in the usual situation? Quantity demanded will rise because law of demand, when price falls, quantity increases. But this will not happen in the case when there is a VEBLEN effect. This will not happen. Why? Because people judge everything with price.
अभी प्राइस सस्ता हो गया तो लोगों को लग रहा है कि अरे इसका प्राइस सस्ता हो गया मतलब ये खरीदना ठीक नहीं रहेगा, अच्छा क्वालिटी नहीं है इसका, तो लोगों का डिमांड कम जाएगा। अब लोगों का डिमांड कैसे कमेगा, सपोज ये डिमांड कर इधर शिफ्ट हो गया, क्वांटिटी अब कम कंज्यूम करना है लोगों को, तो डिमांड इधर शिफ्ट हो गया। डिमांड कैसा हो गया, डिमांड डिमांड कर्व ऐसा हो गया, डी वन पे आ गया। सो द डिमांड कर्व इज नाउ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द इनिशियल डिमांड कर्व, सो दे विल परचेस ओनली Q3 अमाउंट ऑफ गुड। सो दिस पोर्शन इज द वेबलेन इफेक्ट, दिस पोर्शन इज ड्यू टू their mindset that since price is lower so quality will be cheaper, so they are reducing their consumption. Now this demand curve may shift even towards the left also. Suppose the demand curve now completely changes to D2, completely different ho gaya. Ab jo demand curve ka natural behavior hota hai downward sloping, unka behavior itna change ho gaya ki demand curve ka upward sloping ho gaya, D2 pe chala gaya. अब जब D2 पे चला गया तो क्या हो गया, क्वांटिटी और भी फॉल हो गया, क्वांटिटी आ गया Q4 में। सो इन द यूजुअल सिचुएशन व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड वुड हैव बीन राइज, वुड हैव बीन रिजन, बट ड्यू टू वेबलेन इफेक्ट डिमांड फॉल्स टू Q3, ड्यू टू फर्दर वेबलेन इफेक्ट डिमांड इवन फॉल्स टू Q4 व्हिच इज वेरी फार फ्रॉम Q2। सो दिस वाज द वेबलेन इफेक्ट, टू बी मोर प्रिसाइज this is a situation where people judge everything with price. So this is all for this video. If you have any doubt regarding these three effects which violates our law of demand, then you can contact us at this number or you can visit our website www.sorabsirclasses.com. Thank you, students.